संतोष अग्रवाल जी, प्रेम तिवारी, अशोक प्रसाद जी, आदर मान और बाबू भाई, आदि पटेल जी। मैं मध्य प्रदेश का तीसरा हॉकी का एस्ट्रो टर्फ मध्य सरकार के सौजन्य से और आप सबके सहयोग से हम लाने में सफल हुए थे और इस एस्ट्रो टर्फ पर हम राष्ट्रीय स्तर की हॉकी प्रतियोगिता कराने जा रहे हैं, आपकी जानकारी में है। और लगभग 24 टीमें राष्ट्रीय स्तर की जलंधर से, मुंबई से, भुवनेश्वर से, बेंगलोर से, पुणे से, भोपाल से, इन सारे और बिहार से, दानापुर, इन सारे स्थानों की अच्छी अच्छी राष्ट्रीय स्तर की टीमें का प्रदर्शन यहाँ पर हो चुका है। और निश्चित रूप से सिवनी जिले के इतिहास के श्रेष्ठ आयोजनों में से एक आयोजन ये है। इसके पहले भी हमारे सिवनी को हॉकी का नर्सरी कहा जाता रहा है और हमसे पहले भी बहुत से बंधुओं ने, बहुत से सहयोगियों ने सिवनी जिले की हॉकी को और ऊपर उठाने के लिए प्रयास किया है। सिवनी को हॉकी का नर्सरी कहा जाता है। हमारा प्रयास ये है, हमारे आयोजन समिति का, आप सबके सहयोग से हम सिवनी का नाम हॉकी के क्षेत्र में और ऊपर ले जा सके। और मुझे लगता है आपने आयोजन देखा है, इस आयोजन के माध्यम से हम अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में एक कदम आगे बढ़े हैं, ऐसा मेरा मानना है। हमारे प्रयास सबसे पहले तो यह है कि स्टेडियम में जो कार्य निर्माण होने के अभी अधूरे रह गए, एक साइड गैलरी वगैरह बनना है, ये सबसे पहले उसको बनवाने के हम प्रयास कर रहे हैं शासन से। और जब ये कम्प्लीट हो जाएगा तो यहाँ पर हम अंतर्राष्ट्रीय मैच और राष्ट्रीय स्तर की जो हॉकी इंडिया से संबंधित प्रतियोगिता होती है उसको हम यहाँ आयोजित करना चाहते हैं।